करें कि मैं जो है बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ लापरवाही, आप समझ रही कि मेरी बात जैसे कॉलिंग है तो पूरी सड़क चली गई आपकी। फिर ये तो कनेक्टिविटी में भी असर पड़ता है, और कोई तरीके से चलता हुआ आएगा वो तो गिर जाएगा इसके अंदर, किसी को पता ना चले। और आपने मार्किंग लगाई है इसमें कि रास्ता टूटा हुआ है, यहाँ पर कोई मार्किंग लगी है ऊपर? कोई मार्किंग नहीं लगी आपकी, नहीं तो कब लगाएंगे आप? जब गिर जाएगा अभी तब लगाएंगे? तो कहाँ लगाया आपने, बोल बताइए कहाँ लगाया? बैरिकेडिंग लगी। हाँ तो निश्चित रूप से बैरिकेडिंग लगनी चाहिए। हाँ जब हादसा हो जाएगा तब आप लगाएंगे? नहीं लगानी चाहिए आपको, और ऐसी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये नेशनल हाईवे है। बीच सड़क पर उत्तराखंड के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज के गुस्से का शिकार हो रहे यह नेशनल हाईवे के अफसर। दरअसल आज सतपाल महाराज ने देहरादून के प्रेमनगर स्थित पामटा हाईवे को चौड़ा करने के बाद सड़क किनारे बनाए जा रहे पुस्ते के ढह जाने के बाद औचक निरीक्षण किया। पुस्ता गिरने की घटना पर नेशनल हाईवे के अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए पुस्ते की गुणवत्ता की जाँच के भी निर्देश दिए है। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं बता रहा हूँ लापरवाही, आप समझ रही कि मेरी बात जैसे कॉलिंग है तो पूरी सड़क चली गई आपकी। फिर ये तो कनेक्टिविटी में भी असर पड़ता है, और कोई तरीके से चलता हुआ आएगा वो तो गिर जाएगा इसके अंदर, किसी को पता ना चले। और आपने मार्किंग लगाई है इसमें कि रास्ता टूटा हुआ है, यहाँ पर कोई मार्किंग लगी है ऊपर? कोई मार्किंग नहीं लगी आपकी, नहीं तो कब लगाएंगे आप? जब गिर जाएगा अभी तब लगाएंगे? तो कहाँ लगाया आपने, बोल बताइए कहाँ लगाया? बैरिकेडिंग लगी। हाँ तो निश्चित रूप से बैरिकेडिंग लगनी चाहिए। हाँ जब हादसा हो जाएगा तब आप लगाएंगे? नहीं लगानी चाहिए आपको, और ऐसी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये नेशनल हाईवे है। सतपाल महाराज ने अफसरों को साफ साफ बता दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने क्षतिग्रस्त पुश्ते के आसपास मार्किंग और बैरिकेडिंग नहीं लगाए जाने पर भी अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे जिससे इस तरह की घटना दोबारा ना होने पाए। महाराज ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि सड़क के किनारे नालियों की साफ सफाई समय समय पर होती रहे ताकि सड़क पर पानी न रुकने पाए। उन्होंने कहा सड़कों पर जहाँ कहीं भी गड्ढे हों उनको तुरंत भरने के साथ साथ सड़कों को सीधा सुगम और स्वच्छ रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट MI News।